ठीक ठाक दिख रहे ना वो दोनों सोना इनके कम से कम लगभग और आई आगे आइए 16 से 17 सीसीटीवी फुटेज भी हम सबके पास है जहाँ जहाँ से इन्होंने ये परचेजर जो हैं दे आर ऑलवेज मैं कहता हूँ कि परचेजर जो होते हैं ना वो मेन कल्प्रिट होते हैं उसका लॉजिक है उसका लॉजिक यही है कि ये लोग हम उन्हें प्रेस में बैठे हुए हैं ये बाप ये है हमारा बेटा कौन था ये दोनों बगल में खड़े हैं बुलाओ हामिद कौन है हामिद हामिद का बेटा आप लोग ये दोनों बाप के ठीक है ब्रांडी इनकी ऐसी है जैसे कंपनी में काम करने वाली लेडीज या जो मंदिर आ रहे हैं उनसे टारगेट करना और सीनियर सिटीजन वृद्ध महिला जो है उसको मतलब दो तीन टाइप की महिलाओं को ये टारगेट करते थे और इनकी मॉडल ब्रांडी थी जैसे सपोज की महिला जा रही है जाते समय पहले एक बंदा इनका रुकता था वहाँ पे गाड़ी से साथ में छह लोग निकलते थे गाड़ी इन्होंने कहीं पे खड़ी कर दिया और फिर दो दो के पार्ट में ये अलग अलग दिशा में निकल गए। अब जैसे एक कोई महिला आ रही है महिला को इन्होंने रोका और पूछते हैं कहीं मंदिर है या आप कहाँ जा रही हैं इस तरह से वो पहले बात करना शुरू हुई तो महिला बताती है कि हाँ सर यहाँ पे मंदिर है फिर तुरंत ही इनका जो दूसरा बंदा जो इनका नोन है वो तुरंत पीछे से आ जाता है जैसे कभी कभी हो लगता है कि कैसे उतार के ये सामान दे दिए वो पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं तुरंत इनका जो फ्रेंड है वो पीछे से आ जाएगा और फ्रेंड आते ही ये बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है मैं तुम्हारा नाम बता दूंगा तो उसको बताता है हाँ बताइए आप मेरा नाम तो उसका नाम बता देगा अरे हाँ ये तो मेरा नाम है कैसे आपको पता करा मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं सब चीज़ तुम्हारे जेब में क्या रखा है वो भी मैं बता दूंगा उसी समय ये बताता है कि आपके जेब में 2,000 रुपये हैं क्योंकि पहले से इनका प्री प्लान रहता है वो जेब अपना देखता है उसके जेब में 2,000 रुपये निकलते हैं तो एक डेमो टाइप का वो अपने फ्रेंड के साथ इनका कन्वर्सेशन होगा वो महिला कॉन्फिडेंस में आ जाती है सिक्के का भी करेंगे कि अभी सिक्का तुम्हारा डबल कर देंगे दो बना देंगे तो इस तरह से उस जो इनका फ्रेंड रहेगा उसके कन्वर्सेशन में उसको इतना कॉन्फिडेंस में ले लेंगे कॉन्फिडेंस में आने के बाद उससे बोलते हैं कि ऐसा करो कि सेक्टर 58 क्षेत्र में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी उसमें जो फैक्ट्री में काम करने के लिए 3 महिलाएं जा रही थी उन लोगों को बातों में फंसा कर उन लोगों को जो कान की जो बाली है और कुंडल है और ये पायल वगैरह ये सब उतरवा दिया था और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था इस तरह का घटना एक और घटना हुई थी सेक्टर 58 में ही तो हम लोग इसको घटना में तुरंत पंजीकृत कर इसमें अलग अलग टीम बनाई गई थी इसमें अभी कुल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा जो 2 लोग जो खरीदते थे इन लोगों से सुनार लोग वो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं ये 6 लोग में ये लगातार पिछले 3 साल से घटना कर रहे हैं और दिल्ली NCR क्षेत्र में काफ़ी घटना कर चुके हैं उनका अभी हाल ही में ये घटना 12-22 में किया है और 24 में एक बार किया है जो हम लोग अभी उसको पता किया जा रहा है क्योंकि महिलाएं हम लोगों को कंप्लेंट नहीं दिया गया था
बट इन लोगों को पूछताछ में ये बता रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में खूब घटना किए हैं और मुझे लगता है कि पिछले 3 साल से कर रहे हैं तो लगभग 100 से 150 के आसपास घटना किए होंगे। इससे पहले भी जेल जा चुके हैं? नहीं, इसमें कोई कभी जेल नहीं गए हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस से भी लगातार फोन आ रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति जेल जाने का अभी पुष्टि हुई है और ये कभी गैंग पूरा का पूरा कभी पकड़े नहीं गए हैं।